दीपांशु, अगर आप देखें तो मार्केट में सबको पता था, लेकिन थोड़ा सा इग्नोर हो गया। लेकिन भारत में अगर आप देखें तो जो एफपीआईज रजिस्टर्ड हैं, जिनका एयूएम अगर आप देखें तो 25,000 करोड़ से ज़्यादा है, या फिर अगर आप देखें तो सिंगल कॉरपोरेट एंटिटी में 50% से ज़्यादा का निवेश है, इनके लिए एक पैरामीटर तय कर दिया गया था कि आपको अपने निवेश जो है डिस्क्लोज करने हैं। इससे चलते जो बेनामी एफपीआईज हैं इसके ऊपर काफ़ी अगर आप देखें तो लगाम लगेगी। लेकिन इसमें सब नहीं है, देखिए काफ़ी सारे एक्सेप्शन भी हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो सरकारी कंपनियां हैं, पेंशन फंड्स हैं, विदेशी म्यूचुअल फंड्स हैं और चुनिंदा लिस्टेड ETFs हैं, ये अगर आप देखें तो इसमें एक्सेप्शनल है। लेकिन आज अगर आप देखें तो ऐसे FPIs के डिस्क्लोजर का आखिरी दिन है, और मुझे याद आता है कि मई 2023 पिछले साल में सेबी ने बताया था कि इनका जो क्वांटम है, यानी ये जो हाई रिस्क वाले FPI निवेश हैं भारतीय बाजार में, इनकी क्वांटम निकल कर आ रही है करीब 2.6 लाख करोड़। तो अपने आप में काफ़ी सिग्निफिकेंट है। तो या तो अब उन्हें अपनी होल्डिंग्स बेचनी होगी, कम करनी होगी 25,000 करोड़, या फिर जो 50% की लिमिट तय कर रखी है, या फिर वो डिस्क्लोज करें। तो हो सकता है कि इसी के चलते अगर आप देखें तो आज मार्केट में FPIs की तरफ से एक सेलिंग ट्रिगर हुई है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है जो मार्केट के मूड पर भी प्ले आउट कर रहा है। एक बार शरद अवस्थी साहब से भी इसके बारे में बात करते हैं। शरद जी, अब रीजन कोई भी हो, गिरावट तो अच्छी खासी आज आ रही है बाजार में, बट क्या ये भी एक फियर है जो प्ले आउट हो रहा है? हो सकता है कि कुछ लोग लास्ट मिनट प्लानिंग कर रहे हो, बट जनरली मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होना चाहिए। आज एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जब रजिस्टर्ड है तो मुझे लगता है उनको भी ये कंप्लायंस की रेगुलेशन पता होगी, और ऑब्वियसली वो हमारी तरह लास्ट डेट को ITR नहीं फाइल करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि वो प्राइमरी रीजन होना चाहिए, बट हो सकता है सेलिंग में कुछ पार्ट वो भी प्ले कर रहा हो। अगर वो हरीड सेलिंग है, क्योंकि जिस तरीके से बाजार गिर रहा है उसमें एक हिंट तो आ रहा है कि एक हरीड सेलिंग है, डेस्परेट सेलिंग है, तो हो सकता है उसकी वजह से हो। बट अगर है भी तो मेरे हिसाब से शॉर्ट लिव्ड ही होना चाहिए, और ऐसे कोई बड़ी करेक्शन अभी तक हुई नहीं है। मतलब मैं बोलूँगा तो फिर लोग डाउट करते हैं कि 400-500 पॉइंट आपको बड़ी नहीं लगती, बट 500-600 पॉइंट ऊपर से गिरना कोई बहुत बड़ी पैनिक की बात नहीं है। बट लॉन्ग टर्म मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म टू मीडियम टर्म ट्रेंड इंटैक्ट है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कट का व्यू आता है, कन्फर्मेशन, मुझे लगता है वो एक बड़ा लेग अप देना चाहिए ब्रॉडर मार्केट्स की रैली को। 5-10 दिन हो सकता है थोड़ा सा साइडवेज हो जाए, क्योंकि काफ़ी दिन से हम लगातार तेजी देख रहे थे। बट Q2 के रिजल्ट्स का भी इम्पैक्ट मेरे हिसाब से पॉजिटिव रहना चाहिए, और बड़ा ट्रिगर इंटरनेशनली भी और डोमेस्टिक लेवल पे इंटरेस्ट रेट का कट होना चाहिए। और जियो पॉलिटिक्स अनलेस अनटिल कुछ फुल स्केल होता है, जो मैं डाउट करता हूँ कि कुछ होगा, तो उसके लिए मुझे लगता है कि शायद हम लास्ट क्वार्टर की एक बढ़िया रैली के लिए बेस बिल्डिंग जैसे फेज में हैं, तो बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत मुझे नज़र नहीं आती।